मध्य प्रदेश में एक बार फिर किसानों को लेकर सियासत शुरू हो गई है, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार पर निशाना साधा है। सुनो, जैसा कि आपने बताया, हम निरंतर आज नहीं 2003 से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती गई है, किसानों के पक्ष में काम किए होते तो 15 महीने की सरकार जब कमलनाथ जी की आई और देखा कि किसानों के हित में हमने जो काम किए उनका एहसास जनता को है। और अभी जीतू पटवारी जी ने जो बयान दिया है, उस बयान के अंतर्गत उन्होंने कहा कि सरकार 2023 चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो कांग्रेस जो किसानों के हित में घोषणाएं करी थी उन पर किसी भी प्रकार से खरी नहीं उतरी है। ये राज्य सरकार की बात नहीं है, केंद्र में बैठी मोदी सरकार भी किसानों के दुगने दामों की रेट करने की बात जो घोषणाएं करी थी 2014 में कि आय दुगनी हो जाएगी, वो भी पूरा नहीं हुआ। प्रदेश के अंदर शिवराज सरकार हो, उसके बाद मोहन सरकार हो, जो लागत है और लागत के बाद में जो दाम है उनमें जो डिफरेंट है वो इन सरकारों में किसानों के लिए अहित निकल कर आया है। और किसान जो है बहुत परेशान है अपनी फसलों के दामों को लेकर, अपनी फसलों को लगने वाली लागत को लेकर। यदि भारतीय जनता पार्टी मोहन सरकार काम करना चाहती है तो इस बात को समझे कि उनको बीज कैसे मिलना चाहिए, उनको खाद कैसे मिलना चाहिए, उनकी लागत क्या होना चाहिए और उसके बाद उनके दाम क्या होना चाहिए। 2703,000 रुपए हम क्या किसानों को दे पा रहे हैं जो हमें देना चाहिए, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं। और आपने ये देखा है कि जीतू पटवारी जी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ वो एक किसान नेता भी हैं, किसान के बेटे भी हैं। वो निरंतर जब से राजनीति में आए हैं तब से किसानों के हित में हमेशा लड़ते रहे हैं और किसानों की आवाज बुलंद करते रहे हैं। तो किसानों के लिए वो पहले भी लड़ते रहे हैं, किसानों के लिए आगे भी लड़ते रहेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी पिछले आप कह सकते हैं 2003 के बाद 15 महीने अगर छोड़ दें तो संघर्ष करते हुए जनता के हित में, चाहे किसान हो, गरीब वर्ग हो, है ना, युवा हो, महिला हो, सबके लिए रोड़ों पर लड़ रही है। अभी आपने देखा होगा कि भोपाल के अंदर जो नर्सिंग घोटाला हुआ है उसको लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से मैदान में डटी रही, लड़ते रही, वाटर कैनन का प्रेशर भी झेला, पुलिस की लाठियां भी झेली, है ना। तो इसी प्रकार से अभी किसानों के हित में जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से रोड पर फिर लड़ेगी और ये याद दिलाते रहेगी मोहन सरकार को, जगाते रहेगी कि आपको क्या करना है किसानों के हित में, जो आपने कहा था वो किस प्रकार से काम किए और करना है, दोनों से अवगत कराते रहेगी। और विधानसभा के अंदर भी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक है उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से कांग्रेसों के हित में आवाज उठाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन में लगातार देश में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए 7वीं बार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त किया है। क्या नकली बीज से कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त हो जाएगा? क्या लगातार मध्य प्रदेश में किसानों को जिस प्रकार से गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा समय पे किसानों को खाद, बीज और विद्युत के लिए, सिंचाई के लिए विद्युत उपलब्ध, बिजली उपलब्ध कराने की वजह से हो पा रहा है। आज मध्य प्रदेश में किसान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसान सम्मान निधि जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जा रही है, उसमें आधा अंश जो है राज्य सरकार के द्वारा मिलाया जा रहा है, उससे किसान लाभान्वित हो रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर किसानों की स्थिति को लगातार सुधारने का काम हमारी सरकारों ने किया है। पिछले 20 साल में अगर आप देखें तो आप ये पाते हैं कि 2003 के पहले दिग्विजय सिंह जी की सरकार जब मध्य प्रदेश में हुआ करती थी तो उस समय पर बिजली बिल के माफी के नाम पर बिजली साफ हो गई थी, कहीं सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिलती थी। पर मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां पर 10 घंटे लगातार बिना रुके किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मिल रही है और गांव का फीडर अलग करके डोमेस्टिक उपयोग के लिए, घरेलू उपयोग के लिए लगातार 24 घंटे बिजली देने का काम हमने किया है। समय पर बिजली, समय पर खाद, समय सिंचाई की बात करें अगर किसानों के लिए तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जब हम 2003 में सरकार में आए
तो 7 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती थी, उसमें अंग्रेज कांग्रेस नवाब राजा सबके जमाने की जोड़ लो आप पूरी, तो 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, जो हमारी सरकार ने 63 लाख हेक्टेयर में मध्य प्रदेश के अंदर सिंचाई होने की व्यवस्था देने का काम किया है। आज होशंगाबाद जिसे कि नर्मदापुरम कहते हैं, हम नर्मदापुरम जिले में चले जाएं, विदिशा में चले जाएं, वहां के किसान 3 फसल ले रहे हैं, मूंग की एडिशनल 1 फसल लेने का काम कर रहे हैं। लगातार खेती को लाभ का धंधा बनाने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। अब जीतू पटवारी जी ने रतलाम वाले पारस सखलेचा के कागज लूट लिए और उस कागज में से पढ़ लिया कुछ भी आरोप प्रत्यारोप झूठी बातें। तो जीतू पटवारी मतलब भ्रम फैलाने की दुकान, जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में मतलब भ्रमित करने वाले। कांग्रेस का काम है लोगों को भ्रमित करो और अपनी रोटी सेको, पर मध्य प्रदेश के किसान कांग्रेस के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। एक बार 2018 में आ गए हो, कर्जा माफ करने की बात कही थी कमलनाथ जी ने, इनके नेता राहुल गांधी आए थे दिल्ली से, उन्होंने मंदसौर में एक सभा करी थी और उस सभा में बोला था कि 1, 2, 3, 4 ऐसे 10 तक गिनती गिन के बोला था कि 10 दिन में मध्य प्रदेश के सभी किसानों के सभी प्रकार के कर्जे माफ हुए। क्या मध्य प्रदेश में कर्जे माफ नहीं हुए? किसान समझ चुका है कांग्रेस की असलियत, ये काट की हंडी अब बार बार चढ़ने वाली नहीं। जीतू पटवारी जी आज ये जो झूठ है ना, कहीं और परोसो, ये मध्य प्रदेश के किसान आपके झूठे बहकावे में और झूठी बातों में आने वाले नहीं है।